मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शादी की एंगेजमेंट के समय हुई बातचीत के बाद शादी न करना क्या धोखे की श्रेणी में आता है, तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला पहुंचा था। मैं इस वीडियो में इस तरह के कई मामले, एंगेजमेंट के बाद शादी किसी कारण से टूट गई तो क्या वो प्यार करना धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप ना करें, चैनल से जुड़े रहिए। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक महत्वपूर्ण मामला जिसमें ये कहा गया कि अगर FIR कोई अंतर्गत धारा 406, 420, 417 उस मामले में की गई थी और वो लड़की पक्ष की ओर से की गई, क्योंकि एंगेजमेंट के समय जो बातचीत हुई थी, बाद में शादी नहीं की, दूसरी जगह उसने शादी कर ली, इसमें FIR लड़की पक्ष की ओर से लड़के पक्ष की ओर के विरुद्ध की गई और उसका इंटेंशन चीटिंग का नहीं माना गया और FIR ये माना गया, रद्द कर दी गई, FIR आगे नहीं चलेगी। तो ये लैंडमार्क जजमेंट आपको जानना चाहिए किन दशाओं में शादी का वादा कर शादी न करना जालसाजी या धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होल्ड हुआ। एक राजकृष्णा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का। इसमें एंगेजमेंट हुआ, लड़की वाली ने शादी के लिए 75,000 रुपये में एक मैरिज हॉल बुक किया और बाद में वो शादी किसी कारण से लड़के ने उस जगह नहीं की, दूसरी जगह कर ली, तो शादी टूट गई। तो 75,000 रुपये जो मैरिज हॉल वाले को दिए थे उसके संबंध में लड़की वालों ने लड़के वाले के विरुद्ध धारा 417, धारा 420, धारा 406 का FIR रजिस्टर्ड कराया। पुलिस थाने में मामला आगे चला, मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि इसने कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं मांगी थी, चीटिंग इसको नहीं माना और उसने 406 और 420 के जो आरोप थे वो अंडर 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों के तहत हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए। लेकिन 417 के संबंध में कहा कि FIR उस पर 417 के संबंध में चलेगी। मामला लड़की वाले सुप्रीम कोर्ट ले गए, 417 CR इन्होंने IPC को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में लड़की वाले गए। अब उसमें स्थिति यह आई कि बेसिक डेफिनेशन उन्होंने जो है चीटिंग की देखी और 417 के बारे में कहा कि चीटिंग तभी बनेगा जबकि वो चीटिंग जो धारा 417 IPC के अंतर्गत परिभाषित है उसके इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट उस ऑफेंस के प्रूव होते हैं कि नहीं, पर्सन ने कोई इंड्यूस किया कि नहीं ये देखना जरूरी होगा, कोई चीज उसने डिलीवर की कि नहीं, एक रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल लॉस, एक को रॉन्गफुल लॉस हो और एक को रॉन्गफुल गेन हो, तो ये सारी बातें, चीटिंग में पर्सन का चीटिंग करने का इंटेंशन रहा कि नहीं, आशय था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को नहीं माना और FIR को निरस्त कर दिया। कहा कि FIR नहीं चलेगी क्योंकि इंटेंशन ही उसका चीटिंग का, लड़के वाले का नहीं था। शादी के ऐसे मामले होते रहते हैं, किसी कारण से वो शादी नहीं टिक पाई या नहीं हुई, तो अधिक से अधिक उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा। चीटिंग सिंस शुरुआत से, क्योंकि लड़के वालों का ऐसा कोई इंटेंशन या आशय नहीं था कि वो उसको धोखाधड़ी या जालसाजी करे प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो इस तरह 75,000 रुपए का जो खर्चा किया था वो जालसाजी धोखाधड़ी, अर्थात तीनों आरोप 406, 420, 417 सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं माने गए और FIR को क्वेश कर दिया गया। तो इस स्थिति में चीटिंग का ऑफेंस उन्होंने नहीं मारा। ये लैंडमार्क जजमेंट उन लोगों के काम आएगा जहां प्यार शादी या धोखाधड़ी के मामले, जिन अपराधियों के विरुद्ध शादी से संबंधित है, एंगेजमेंट के समय किसी बातचीत हुई बाद में शादी नहीं हुई, तो उनके लिए ये उपयोगी एक आधार सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजकृष्णा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 का हो सकता है। वीडियो कैसा लगा, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं। मैं हृदय से चैनल पर आभारी हूं आप सबका। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।